फ्रेंड्स, आज हम इस छोटे से वीडियो में जानेंगे लिटमस के बारे में। तो लिटमस नेचुरल इंडिकेटर होता है जो कि हमें एसिड और बेस की पहचान कराता है। और लिटमस ये जो डाई होता है ये लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लिटमस जो होता है ये सोल्यूशन के फॉर्म में भी होता है, लेकिन लेबोरेटरी में आमतौर से इसे पेपर के फॉर्म में रखा जाता है, जहाँ टू कलर के पेपर्स होते हैं, एक तो रेड कलर का होता है, एक ब्लू कलर का होता है। तो जो रेड कलर का लिटमस पेपर होता है उसको अगर किसी आप बेस में डिप कराएंगे या उस पर बेस को टपका दें ड्रॉपर से, तो वो जो है जो रेड कलर का लिटमस पेपर है वो ब्लू कलर में बदल जाएगा। और ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर है उस पर अगर आप एसिड डाल दें या उसको एसिड में डिप करा दें, ब्लू कलर के लिटमस पेपर को अगर आप एसिड में डिप करा दें तो वो रेड कलर का हो जाता है, जिससे हम पहचान जाते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि जो रेड कलर का लिटमस पेपर होगा वो ब्लू कलर में तब चेंज होगा जब बेस में डिप कराया जाएगा। कई बार इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए, बेस बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस, मतलब बेस ब्लू में चेंज हो जाता है, बेस ब्लू कलर में चेंज कर देता है रेड कलर के लिटमस पेपर को। तो आप इससे याद रखिएगा कि बेस रेड कलर के लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा और एसिड जो होता है वो ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देगा। ये जो लिटमस पेपर होता है ये वैसे डिस्टिल्ड वाटर में तो ये पर्पल कलर का होता है, डिस्टिल्ड वाटर जिसका पीएच जीरो होता है ना, तो उसमें ये पर्पल कलर का होता है। और बाकी जो लेबोरेटरी में ये आमतौर से मिलता है वो टू कलर के, रेड कलर का लिटमस पेपर और ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है। तो यही लिटमस पेपर होता है जो ये पहचानने के लिए होता है कि कोई सोल्यूशन एसिड है या कि वो बेस है। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। थैंक यू।